हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में 3 विधानसभाओं की मतगणना की गई, जिसमें भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को बहुमत मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी प्रकट की और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में 3 विधानसभाओं के मतगणना की गई, जिसमें भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को बहुमत मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी प्रकट की और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ठाकुर रविंद्र सिंह रवि ने बताया कि सबसे पहले पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूं और नरेंद्र मोदी व अमित शाह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश में सदियों बाद लगातार बहुमत प्राप्त हुआ है। यह केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी की नीतियों को, जिससे पार्टी के अंदर जोश भरा हुआ है, जिसका परिणाम है ये आम जनता व कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जितनी भी योजनाएं पूरे देश के लिए बनाई गई, सबका साथ सबका विकास लेकर जो बनाई गई है, ये जीत उसकी है। ये जीत राष्ट्रभक्ति की जीत है। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार बनी है, जिसमें केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ मिला है, ये उसी का परिणाम है। और सबसे अहम बात ये भी है कि विश्व में मोदी मोदी छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने एक नया आयाम स्थापित किया है, जो परिणाम सामने आए हुए हैं, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं और नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई के सदियों बाद, वर्षों बाद लगातार दूसरी बार किसी पार्टी को बहुमत जो है, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, केंद्र सरकार की नीतियों का और अमित शाह जी के, जो उन्होंने पार्टी को एक नया, मैं तो ये कहूँगा जोश जो उनके अंदर भरा है कार्यकर्ताओं के अंदर, ये उसी का परिणाम है। जहाँ तक आपने कहा कि जीत को किस दृष्टि से देखते हैं, ये जीत आम कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये मतदान केंद्र तक जो हमारा कार्यकर्ता बैठा है, ये उसकी जीत है। ये जीत नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी योजनाएं, जितनी पॉलिसी पूरे देश के लिए सबका साथ सबका विकास लेकर जो चलने के लिए बनाई गई हैं, ये जीत उसकी है। ये जीत राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत प्रोत राष्ट्र के हर नागरिक की जीत है। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। डेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। डेरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार पिछले 2.5 महीने दिन रात एक करके जिस ढंग से काम किया है, डेरा विधानसभा क्षेत्र को एक लड़ी खोया है, ये सारे बधाई के पात्र हैं। एक नया इतिहास हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार हमारी बनी है और उनके माध्यम से उनका भी यहाँ पर पूरा योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक मिला है। और जहाँ केंद्र की सारी योजनाएं, वहीं पर हमारी प्रदेश की सरकार की सारी योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ, ये उसी का परिणाम है। 70 सालों में लगभग 60 साल राज किया और वो जिस बात का नारा लगाते थे, गरीबी हटाओ रोजगार की बात करते थे, वो आज मोदी जी ने साबित करके भी दिया है कि कौन किसानों की हित की बात कौन करता है, आम जनता के हित की बात कौन करता है। तो वो पूरा का पूरा श्रेय जो है वो मोदी जी को मिला और मोदी जी ने इनकी परवाह ना करके, ना को इनके ऊपर कोई काउंटर अटैक किया, अपनी बात को जनता के सामने रखा और जनता ने उन बातों पे पूरा अमल किया और उसके बाद इस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को स्नेह प्यार आशीर्वाद जो दिया। इसलिए मैं आम हिंदुस्तान की जनता और खास करके ज्वालामुखी की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता का तह दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बीजेपी की फेवर में मत जो है वो दिया है और सरकार जो है वो उनके माध्यम से, जनता के माध्यम से ही सरकार जो है वो हिंदुस्तान में बनेगी। इसलिए मैं जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। ज्वालामुखी में भी जो राहुल गांधी के अंश जो हैं वो हमारे इस प्रत्याशी में भी थे और इसने भी गाली गलोच, मोदी को गालियां, मोदी का क्या कद है और इसका क्या कद है, और इसने अनाप शनाप यहाँ पे बयानबाजी की और उसके कारण ही लोगों ने रोष प्रकट किया और ये सारे का सारे कांग्रेस का कुनबा भी वो बीजेपी की फेवर में, मोदी जी की ये जो नीतियां हैं उसके ऊपर विश्वास करके हमारे इस ज्वालामुखी क्षेत्र में भी जो बढ़त मिली है
वो कांग्रेस की विफलता और ये जो हमारे पूर्व में रहे प्रत्याशी इनका नाप सनाप बयानबाजी है उसके कारण यहाँ पे ज्वालामुखी में जो है वो बढ़त जो है वो मिली है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।